स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, इनऑर्गेनिक टाइटेशन ही करेंगे। टाइटेशन करनी किसकी है? ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KNNO4 सॉल्यूशन की। यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एम क्या है? टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द गिवन सैंपल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रोवाइडेड N/20 KNNO4 सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको 1/20 नॉर्मल का KNNO4 सॉल्यूशन मिला हुआ है और आपको जो है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं ऑक्सैलिक एसिड के लिए। अब लेटेस्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए? ब्यूरेट, पीपेट, कॉनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब एंड मेजिंग सिलेंडर। जो हमने लास्ट प्रैक्टिकल में प्लेटर्स यूज किए थे वही सेम प्लेटर्स यूज होंगे यहाँ भी। केमिकल रिक्वायरमेंट 1/20 नॉर्मल का चाहिए KNNO4 सॉल्यूशन, ऑक्सैलिक एसिड चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। इंडिकेटर KNNO4 एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर। जैसे जो पिछली हमने टाइटेशन की वहाँ पे हम अलग से इंडिकेटर यूज करते थे, बट यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज जो KNNO4 होता है उसका पर्पल कलर होता है, वो खुद से एक्ट करेगा एज अ सेल्फ इंडिकेटर। एंड पॉइंट क्या होगा? कलरलेस सॉल्यूशन होगा और वो चेंज हो जाएगा परमानेंट पिंक कलर में। आगे केमिकल इक्वेशन, KNNO4 सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर पहले H2SO4 सॉल्यूशन ऐड करेंगे, डायरेक्ट H2SO4 हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये चेंज हो जाएगा K2SO4 प्लस MnSO4 वाटर प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है C(OH) बॉन्ड C(OH), इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन होने पे चेंज हो जाएगा CO2 प्लस H2O में। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? 2KMnO4 प्लस 3H2SO4। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 5 नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन है, तो सेकेंड इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑक्सीजन जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 ऑक्सैलिक एसिड आ जाएंगे। 21 K2SO4 2MnOSO4 यहाँ पे 2 भी आएगा साथ में, प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ये हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ये हो जाएंगे, टोटल 8 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, 8H2O एंड 2×5 10CO2। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करना है इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो है ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम पीपेट आउट करेंगे 10 ml ऑक्सैलिक एसिड को, पीपेट आउट करके ऑक्सैलिक एसिड को टाइटेशन फ्लास्क के अंदर ले लेंगे, फिर उसके अंदर जो है हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की हाफ टेस्ट ट्यूब ऐड करेंगे। 10 ml ऑक्सैलिक एसिड प्लस इसमें ऐड करेंगे हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4। इसको अच्छे से शेक करेंगे और उसके बाद जो है इस टाइटेशन फ्लास्क को जो है हीट करेंगे 60-70 degrees टेम्परेचर। 60-70 degrees टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे प्रॉपर शेकिंग के साथ, फिर इसको कूल करके अब हम इसमें जो है ब्यूरेट की हेल्प से KNNO4 सॉल्यूशन को डालना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम डालते हैं ब्यूरेट को ओपन करना, हमें जो मेजर करना है KNNO4 सॉल्यूशन में, यहाँ पे हमें वॉल्यूम मेजर करना है कितना हम KNNO4 सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। शेक करेंगे स्टार्टिंग में जो आपका ये ऑक्सैलिक एसिड है हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, कलरलेस सॉल्यूशन होगा। हमें KNNO4 की एडिशन कब तक करनी है? जब तक जो है हमारे पास परमानेंट पिंक कलर ना आ जाए। स्टार्टिंग में पिंक कलर आएगा उसको अच्छे से शेक करके देखोगे, अगर वो कलर डिसअपीयर हो रहा है दैट मीन्स अभी KNNO4 सॉल्यूशन हमें और ऐड करना है, थोड़ा सा और 2 by 2 ब्यूरेट से ऐड करेंगे। जब परमानेंट पिंक कलर आ जाएगा उस टाइम पे जो है स्टॉप कर को स्टॉप कर देंगे और वो रीडिंग जो है हमें यहाँ से ब्यूरेट की हेल्प से नोट करेंगे। क्लियर? ऑब्जर्वेशन टेबल में आएंगे इनिशियल रीडिंग, ब्यूरेट में हमने रीडिंग कहाँ से स्टार्ट किया, फाइनल रीडिंग एंड कितना वॉल्यूम KNNO4 सॉल्यूशन का यूज हुआ है। इसी तरीके से सेम 3 हमें टाइटेशन यहाँ पे करनी है, 3 पर रीडिंग देनी है। अब आगे आते हैं जनरल कैलकुलेशंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे N1V1=N2V2। N/V1 ऑक्सैलिक एसिड के लिए यूज कर रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मेलिटी हमें नहीं पता वो कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम कितना यूज कर रहे हैं? 10 ml। ऐसे KNNO4 की नॉर्मेलिटी है 1/20 और इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपके पास ब्यूरेट की जो रीडिंग आएगी, यहाँ पे 3 रीडिंग आएगी, उनकी कॉम्पोनेंट रीडिंग ले लोगे 1+2+3/3=VML। ये आपकी रीडिंग आ जाएगी वॉल्यूम की, वो रीडिंग यहाँ पे खुद करके यहाँ से जो है नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। फिर सेकंड स्टेप पे हमें क्या करना है? स्ट्रेंथ निकालनी है एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड की। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट। अब देखो यहाँ पे जो है हमें वेट का ध्यान रखना है, ये हमारे पास फॉर्मूला है ऑक्सैलिक एसिड का।
C डबल ओ एच। इसका जो मॉलिकुलर वेट है, मॉलिकुलर वेट आएगा 19। हमें चाहिए इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होते हैं? मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी। एसिडिटी केस में बेसिसिटी आ जाएगा और बेसिक केस में एसिडिटी। अब यहाँ पे बेसिसिटी इसकी कितनी है टोटल? यहाँ पे 2H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, बेसिसिटी इसकी 2 हो जाएगी, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45। ये आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी इसकी स्ट्रेंथ। थर्ड में हमें पार्ट में करनी है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका फॉर्मूला लगाएंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड। अब देखो जो हमने यहाँ पे स्टेप कैलकुलेट किए, यहाँ पे हम यूज करते हैं इक्विवेलेंट वेट, बट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है, यहाँ चाहिए हमें मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितने ऑक्सैलिक एसिड थे? 90। तो 90 प्लस हाइड्रेटेड है, कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट इट बी एक्स, एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट होता है 18। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 18 इंटू एक्स डिवाइड में एन हाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड, उसका होता है 90। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड 3.15 एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन हाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड को जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, सपोज कर लो ये आपकी वाई है स्ट्रेंथ, तो उसके वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दोगे वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे और यहाँ से जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी। रिजल्ट आ जाएगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के ऑक्सैलिक एसिड में कितने नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है वो जो है हम यहाँ से जो है कैलकुलेट कर देंगे। ओके, थैंक यू।